राज्य में 500 कृषि यंत्र बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने खेती में कृषि यंत्रों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए 20 करोड़ रुपए अलग से आवंटन कर दिया है। इससे राज्य में खेती करना और आसान होगा। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए कृषि यंत्रों के वितरण कार्यक्रम में ये बात कही। उसी क्रम में राज्य के किसानों को आधुनिक तरीके से खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग अत्याधुनिक कृषि यंत्रों की खरीदारी के लिए अनुदान दे रही है। किसानों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार कृषि यंत्र, सिंचाई, बीज, खाद, बाजार और कृषि यंत्रों के साथ साथ हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध की जा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 1617 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। इसी कड़ी में 17 जिलों में कुल 39 किसानों और समूहों के बीच 19 कस्टम हायरिंग सेंटर, 3 फॉर्म मशीनरी बैंक एवं 17 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 3.4 करोड़ रुपए अनुदान पर ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों का वितरण किया गया है। किसानों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका लाभ बिहार के किसानों को मिल रहा है। कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना एवं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य के किसानों को 75 प्रकार के विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीदारी तथा राज्य में कस्टम हायरिंग सेंटर, फॉर्म मशीनरी बैंक और भी अलग तरह की स्थापना पर कुल 186 करोड़ रुपए का अनुदान लक्ष्य निर्धारित किया गया है।